तो यार आज हम लोग अपनी KTM RC में लगाएंगे लीवर प्रोटेक्टर। तो भाई हम लोग लाए थे R15 के लिए, तो R15 में फिट नहीं हुए, तो इनको KTM में इंस्टॉल करेंगे। KTM में इंस्टॉल करेंगे भाई, बस ये आपको एक अलिंकी वाला पेच कसना है और कुछ भी नहीं। बाकी R15 में भाई बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या फास्टनर लगाना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो पहले इससे निकालते हैं अलिंकी, इसमें भाई देखते हैं सामान कितना सारा मिलता है। पहले तो सीट खोल के निकालते हैं एक बार भाई साहब, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है पहले आपको। तो ये देखो सस्ता वाला फ्लेशर लगा है, 450 रुपया वाला जो कट कट बोला करता है। ये गाड़ी ये फर्जी कागज बना के रखे हैं इसने, ओरिजिनल है। अच्छा ओरिजिनल, हमें लगा चुरा के ले गाड़ी। इसमें कितना सारा सामान है भाई, और R15 में बस एक पेचकस दे देंगे, एक अलंगी, बस काम खत्म। तो 5 नंबर ये अलंगी से काम होने वाला है, तो अलंगी निकाल के देख लेते हैं। ये हमें लगता है ज़्यादा, हाँ भाई 5 नंबर निकालो, 6 नंबर नहीं, 5 नंबर की अलंगी पूरा ही बाहर निकाले यार इसको। अब निकालते हैं निकल ले रहा है इसे। तो ये सब कहाँ धो रहे हैं, इतना सारा सामान है, ऐसी परेशान है हम लोग। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है भाई KTM में। तो ये देखो बिना सीट के यार लुक और भी डाउन हो गई। जिसकी आज छोटी है तो भाई बिना सीट के चला सकता है, पूरे पूरे पैर आएंगे। छोटी सीट कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपने के लिए भाई, फॉर्म धर लो छोटा सा। अगर आपकी हाइट 5 फिट भी है तो आप आराम से राइड कर लेंगे इसको, क्योंकि सीट लगाने के बाद तो भाई मुश्किल ही हो जाता है। और ये पता नहीं छपरियों का पता क्या ही काम बनाएं, ये कलंकी नहीं निकाल पा रहे हैं। उतनी देर बाद ये निकला है, देखो ये ढूंढ रहे हैं। अब कहेंगे मिल नहीं रही है, अब कहेंगे 5 नंबर ये आती ही नहीं है, 4 नंबर ये 5 नंबर ये, देखो 5 नंबर लगा के देखते हैं। हाँ ये लगेगी 5 नंबर की, ये लगेगी 5 नंबर लग जाएगी। ये देखिए भाई, मतलब KTM में इतना सारा सामान रखने की जगह है और R15 में नहीं। तो KTM में भाई हर जगह ब्रांडिंग दिखती है, तो उसमें ये देखिए भाई पाउच तक में KTM की ब्रांडिंग दी है। तो इसको भाई बस सिंपल सा एक प्रोसेस है, यहाँ पे पकड़िए बस घुमाते चले जाओ, तो बस इसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। सही तो घुमा रहे भाई, मतलब घूम क्यों नहीं रहा, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। सीधा पकड़ो सीधा, तू जा पकड़ लेंगे सीधा, पहले घूमने दो। हाँ लग गया। तो इसको ऐसे 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 घुमाते रहो घुमाते रहो, एक उंगली से थोड़ा दूर से बना, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो बस ये लीवर प्रोटेक्टर हमारा प्रोटेक्ट हो गया। तो भाई काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है, अभी से कैसे लिंकेज। तो एक बार इसको एलएनकी से कस के देखते हैं थोड़ा सा। भाई बार बार गिरते हुए, ठंड में हाथ काम नहीं कर रहा है। रबड़ साथ घूम गई है इसकी वजह से, हो रहा है भाई ये हो गया टाइट। तो उस तरफ को इंस्टॉल करते हैं एक बार, तो इसको भी इंस्टॉल करते हैं भाई फटाफट से। KTM में काफ़ी इजीली तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं, R15 में भाई इंस्टॉल ही नहीं होता क्या ही होता है।
खाली है कसो खाली वही कसे है ना, तो उसमें उसमें ये बुल्ड नहीं घूमेगा, ये भी घूमता है ना, रबड़ तो रबड़ काटनी पड़ी थोड़ी, देखो क्रूज कंट्रोल बन जाएगा तो पूरा। ये क्रूज कंट्रोल देखा आपने केटीएम में, तो इसको घुमाइए एक्सीलेटर घूम जाएगा ये देखो। बेकार निकाल दो भाई, रबड़ करना होती रबड़ की वजह से हो रहा है। तो उसमें एक काम करना पड़ेगा यार, रबड़ हटानी पड़ेगी या इसी को हटा दो। जैसे देख भाई केटीएम में तो ये इंस्टॉल होने से रहें, अगर इन भी रबड़ काटनी पड़ेगी तो भाई इन फ्यूचर मुझे हटाना हुआ तो काफ़ी बेकार सा लगेगा सीन दर। तो इसको इंस्टॉल करना से बचें तो भाई इंस्टॉल ही ना करें, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। तो लुक तो थोड़ा सा और वाइड हो गई केटीएम, तो इधर उधर टकराने से ज़्यादा उसे एक बार देखते हैं इसको हैंडल उधर उधर घुमा के, इधर भी नहीं लड़ रहा और इधर भी नहीं लड़ रहा। तो इन टर्म्स ऑफ ये भाई देखिए कितना बच रहा है भाई, बस बिल्कुल थोड़ा सा गैप ही छू भी जाएगा तो नीचे कर देंगे। तो इसको ना इंस्टॉल करें तो ज़्यादा ठीक है, बस बाकी लोग कुछ टाइप का आएगा इसमें तो कुछ इतने खास लग भी नहीं रहते, उनको भाई हटा ही देते हैं वापस से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टल देन बाय बाय, रेड से ब्राइट हार्ट।